ईएसपी की इफिशियंसी किन किन कारणों या फैक्टर पर निर्भर करता है? तो ईएसपी की इफिशियंसी बेसिकली इन चार कारणों पर निर्भर करता है। वो कौन सा है? पहला है डस्ट पार्टिकल साइज पर। इसमें क्या होता है, जब फाइननेस डस्ट पार्टिकल इंक्रीज होता है तो ईएसपी की परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है, कम होता है। ठीक है, अगर डस्ट पार्टिकल की साइज लेस देन 10 माइक्रोन्स, ठीक है, तो ईएसपी को कलेक्शन में डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू लॉन्गर साइज। ठीक, यदि पार्टिकल साइज डिक्रीज होता है तो ईएसपी की कलेक्शन इफिशियंसी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा है रेजिस्टिविटी ऑफ एस। ठीक है, इसमें रेजिस्टिविटी ऑफ डस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है ईएसपी परफॉर्मेंस में। ठीक है, करंट जो इमिटिंग इलेक्ट्रोड से डस्ट लेयर के थ्रू फ्लो होता है तो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को अक्रॉस द डस्ट लेयर, पूरे डस्ट लेयर में हाई यील्ड स्ट्रेंथ जरूरी होता है। जहाँ पर भी एस में हाई रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, जहाँ जहाँ एस की रेजिस्टिविटी हाई होता है वहाँ पे बैक कोरोना स्टेबलाइज होता है डस्ट लेयर में कलेक्टिंग प्लेट पर, और पॉजिटिव आयन फ्लो होता है डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड को। ठीक है, तीसरा है फ्लू गैस वॉल्यूम। फ्लू गैस वॉल्यूम बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स नेचर ऑफ इफिशियंसी इक्वेशन, यदि प्रेसिपिटेटर की परफॉर्मेंस कम होता है तो गैस की जो वॉल्यूम है वो कम होगा। ठीक है, जो कलेक्शन इफिशियंसी क्या करता है, वो स्पेसिफिक कलेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। यदि गैस की वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्पेसिफिक कलेक्टिंग एरिया डिक्रीज होगा और इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा, कलेक्शन इफिशियंसी जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, चौथा है फ्लू गैस टेम्परेचर। यदि गैस की टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कलेक्शन इफिशियंसी जो होगी वो रिड्यूस होगा। ठीक,